जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 63 में आज हम खड़े हैं और यही वार्ड हम आज कवर करेंगे। अंदर जाके देखेंगे क्या कुछ सूरत हाल है वार्ड के। आपको मैं बता दूं कि बंद तालाब का ये एरिया आता है, कुछ इलाका इससे आगे का भी है, वहाँ जाके देखेंगे क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि बहुत सारे इलाके यहाँ पर अभी इसी बार नए जुड़े हैं इस वार्ड में। तो कितना काम हुआ है, लोग क्या कहते हैं अपने वार्ड को लेकर, और अभी लगभग 3 साल होने जा रहे हैं अक्टूबर में, तो कुछ सूरत हाल बदले हैं वार्ड के, कुछ चीज़ें हुई हैं वो चल के देखते हैं। वार्ड नंबर 63 की गली नंबर 10 है ये, बंतलाब का इलाका आता है। और अगर आप ये सड़क की हालत देखेंगे, यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग काफ़ी समय पहले हुई है और ड्रेन जो है वो भी पुराने वक्त की बनी है, एक तरफ ही है, दूसरी तरफ है ही नहीं है। हालांकि पहले वक्त में के बाद यहाँ पर कई और मकान भी बने हैं, कुछ प्लॉट खाली भी हैं, लेकिन ओवरऑल गली की अगर रोड की बात करें, ये मेन रोड से अंदर को आती है, ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन पूरी गली जो है ख़राब है। लोकल रेजिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवन कृष्ण। बालकृष्ण जी, ये लास्ट टाइम शिवन कृष्ण, ये लास्ट टाइम ब्लैक टॉपिंग कब हुई थी यहाँ पे? 2014 में लगभग शायद हुई थी, 14 में हुई, और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। और जब से म्युनिसिपल इलेक्शन हुए हैं 18 के बाद कोई काम नहीं हुआ, ड्रेन्स का भी नहीं, ड्रेन्स का भी नहीं। तो आपका घर ये वाला है? ये वाला है। तो आपका ड्रेन कहाँ पर है? आपके ड्रेन तो यहाँ से ही पाइप डाली है नीचे से। अच्छा, मतलब इस तरफ ड्रेन नहीं है आपकी राइट साइड पे? इस तरफ नहीं है, किसी भी घर की नहीं है? ना ना ना, इधर तो ड्रेन हमने बोला था आप सेंटर में ड्रेन डालो, वहाँ से भी पानी आएगा, क्योंकि सड़क बहुत तंग है आगे। हाँ। 12 फुट गली है। अच्छा। जब इधर से भी ड्रेन निकलेगी, इधर से भी ड्रेन निकलेगी, तो फायदा क्या है, सड़क क्या रहेगी। हाँ। और बाकी सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पे साफ सफाई के लिए? सफाई कर्मचारी आते हैं, कम ही आते हैं वैसे। गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑटो? गार्बेज ऑटो आप देते हैं उनको? रेवेन्यू जनरेट कर 100 रुपीज़? हाँ, 100 रुपीज़ लेते हैं। हाँ, लेते हैं। तो ये ड्रेन के लिए कभी समस्या आपने बताया नहीं, पूछा नहीं, बोला नहीं कि इसको काम करवाएंगे? आता नहीं कोई इधर से, कौन किसको ड्रेन तो नहीं। कॉर्पोरेटर आपके काउंसलर हैं ही हैं, उनसे कभी बात नहीं हुई? नहीं, उनसे बात कोई नहीं। उनसे कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर लोकल, उनसे भी बात करते। तो आप लोग देखते होंगे किस समय आते हैं साफ सफाई के लिए? वो बीच में आते हैं लगभग 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, तो फिर सफाई करते हैं यहाँ से। तो ये जो ड्रेन है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाई है? रोज सफाई नहीं करते हैं, रोज बनाई किसे? अपनी अपनी बनाई है कॉर्पोरेशन ने? नहीं नहीं नहीं, कॉर्पोरेशन उन्होंने ये बनाई है, लेकिन बनाई एक ही तरफ हुई है? हाँ, एक ही साइड। जब बरसात बहुत ज्यादा होती है तो ये इन घरों का पानी कहाँ जाता है? नहीं नहीं, इन घरों का भी यहाँ से ही पानी जाता है। उसमें नाली ब्लॉक वगैरह तो नहीं? नहीं, ब्लॉक नहीं हो जाती है, वहाँ से ब्लॉक होती है, जो लास्ट है वहाँ से ब्लॉक हो जाती है। हाँ, बाकी स्ट्रीट लाइट्स कुछ पोल्स पर हैं, कुछ पर नहीं? ये तो इसका ये जो स्विच है वही खराब हो गया, तो बीच में चलती है, बीच में बंद हो जाती है। अच्छा। ये ठीक नहीं है। और ये हमारा बोर्ड जो है ना, ये हो गया, ये खत्म हो गया है बिल्कुल। अच्छा। हम सोच रहे हैं कि जो लास्ट में बोर्ड लगा है वो अगर इधर आता तो यहाँ पर मैक्सिमम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के ही लोग रहते हैं। ये जो मिक्स सामने है, मिक्स है। अच्छा, मिक्स है। तो ये सड़क आके जाती है? बंद है? नहीं नहीं, बंद है। मतलब 15-20 घर होंगे इस गली में? हाँ, 10-15 घर हैं। हाँ जी। तो कॉर्पोरेटर साहब कभी आते हैं कभी देखने वगैरह? नहीं, आते हैं, आते नहीं, नहीं इस काम के लिए नहीं, मेरा आंगनवाड़ी सेंटर है वो यहाँ आते हैं। अच्छा, वहाँ आते हैं। कभी उनसे बोला आपने कि ड्रेन वगैरह के लिए आप काम कराएं, हमारे ड्रेन नहीं बनी, एक तरफ बनी एक तरफ? नहीं नहीं, उनके साथ बात नहीं की, उनके साथ बात नहीं। और कोई आपको पीने के पानी के क्या सूरत हाल है? वो नलके है, वो मतलब बोर किया हुआ है या आता है वो पानी? बिल्कुल काम आता है, काम आता और है। जब गर्मी हो जाती है तब उस टाइम बिल्कुल काम आता है पानी। मतलब ऊंचाई हाइट की में इस जगह आती है इसलिए ये जगह, तभी तो पानी काम आता है। उस सूरत हाल में आप लोग क्या करते हैं? बाहर से लाते हैं? बाहर से या दूसरे घर से लाते हैं, क्या करेंगे अब तो वही करना है। गली नंबर 10 वार्ड नंबर 63 की हम आपको जो सूरत हाल है वो दिखा रहे थे। एक ये है, यहाँ पे भी देख लीजिए आप, काफ़ी समय पहले ब्लैक टॉपिंग जो हुई थी उसके बाद अभी हालत है कि ये लोग बाहर झाड़ू भी नहीं लगाते हैं, और कई जगह तो उन्होंने खुद का सीमेंट लगाया हुआ है। वार्ड नंबर 63 की लेन नंबर 6 में हूँ, ये केबी नगर का इलाका है, और यहाँ सड़क की बहुत खस्ता हालत है। अगर आप दूर तक नज़र घुमाएंगे तो जो कंकरा डाला जाता है सड़क बनाने से पहले वो निकला हुआ है पूरा, और ब्लैक टॉपिंग ना जाने कितने वक्त पहले हुई है। और अगर आप इस ओर देखेंगे यहाँ पर, ये भी बहुत यहाँ पर ये पूरी सड़क ख़राब है। अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो लेन नंबर 6 की इतनी बुरी हालत है, और साफ तौर पे दिख रहा है कि ब्लैक टॉपिंग ना जाने कितने वक्त पहले हुई है, और लोग मजबूर हैं इसी रास्ते पर, इसी उबड़ खाबड़ रास्ते पर उनको दिन के समय और रात के समय गुजरना पड़ता है। और ज़्यादा मुश्किलें तब आती हैं जब मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो इस रास्ते से जब गुजरना पड़ता है। कई लोगों की ये भी परेशानी है, कई बार उनके टायर पंचर हो जाते हैं और सड़क बन नहीं पा रही है।
वार्ड नंबर जो लेन नंबर 7 है वो भी हमने देखी और लेन नंबर 6 की हालत है। तो यहाँ से साफ तौर पर पता चलता है कि टेंडर होने के बावजूद भी सड़कें जब नहीं बन रही हैं तो काफ़ी कुछ निर्धारित होता है कि अप्रोच किस तरह से लगाई जा रही है। और अगर बात करें काउंसलर की तो काउंसलर से लोगों को उम्मीदें हैं कि वो अब लगभग 3 साल होने जा रहे हैं तो वो काम करवाएंगे जो भी तमाम मुश्किलात हैं, लेकिन फ़िलहाल इन सड़कों की सूरत नहीं बदलती हुई दिख रही है। हालांकि टेंडर हो चुके हैं लेकिन अभी भी इंतज़ार हो रहा है कब ये पूरी सड़कें बनेंगी। वार्ड नंबर 63 का ये केबी नगर है, लेन नंबर 7 है ये। और अगर मैं आपकी यहाँ पे प्रेजेंट इसकी आपकी जो सिचुएशन है वो दिखा दूँ, आप यहाँ पर देखिए सड़क पे ये जो सड़क ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब हम ये वार्ड कवर कर रहे हैं और हमें यहाँ पर यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट हैं गिरधारी लाल भट्ट साहब जो कि प्रेजिडेंट भी हैं वो मिल गए, उनसे मुलाकात हो गई, वो अपने इलाके के बारे में बता रहे हैं। और इन प्रॉब्लम्स को लेकर गवर्नर ग्रीवेंस सेल तक भी ये गए हैं, बहुत बार एप्लीकेशंस दी हैं और बहुत लंबे समय से ये पूरी इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। भट्ट साहब, अगर हम ओवरऑल बात करें कब से ये सड़क यहाँ पर ऐसी हालत है ये? कम से कम हम 2013 से लड़ रहे हैं, 2003 से वो तो बहुत 2013 से, क्योंकि मैं तब से प्रेसिडेंट यहाँ पर हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा पता है 13 से ही। हम कम से कम PWD वालों का गए, पता नहीं कितनी दफ़ा गए, फाइल मांगकर देखें तो कम से कम 25-30 दफ़ा गए होंगे। उनने बाहर उनको रिक्वेस्ट हमने कर दी, भाई उधर सड़क ख़राब है, उनने डाल दिए हमें PWD वालों ने, ब्लैक टॉपिंग कर दी। लेकिन ये बैज में रह गया इस तरह, हालांकि ये सैंक्शन थी उस वक्त शारदा मंदिर तक, अब तो शारदा मंदिर सैंक्शन थी उस वक्त, वो फाइल में मुझे मैंशन कर दिया कितना अमाउंट था क्या था। फिर हम ये उनने बोला आप जिस वक्त हमने गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट कर दिया, उसको ग्रीवेंस सेल में दे दिया, हमने ये अपनी डिमांड्स दे दी उसको जी। डिमांड ऑफ चार्ज दे दिया जी। तो उनने बोला कि ये PWD वालों को नहीं करना है, अब ये म्यूनसिपलिटी वालों को करना है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर हैं कुलदीप सिंह जी जो रिसेंटली सिलेक्ट हो गए हैं एज काउंसलर वार्ड नंबर 63 के, तो उनके पास मैं चला गया अपनी ग्रीवेंस लेकर, उनको यहाँ पर लाया भी, उनको हमने दिया अपनी डिमांड्स दे दी, उनको भी यहाँ पर हमने कन्वेंशन उसको कर दिया, फंक्शन कर दी, तो वो आ गए, उन्हें सारा कुछ ले लिया लिखकर, उसको दे दिया इन राइटिंग भी दे दिया उसको बहुत सारे, तो उनने कह दिया कि हम सैंक्शन भी हो गई इसकी, अब वो वेट कर रहे थे बरसात कब ख़त्म हो जाएगा, हम एज़ पर हिज स्टेटमेंट एज़ पर हिज वर्डिंग्स कि हम कर देंगे बरसात के बाद कर देंगे। तो अब तो तभी हम आशा रखते हैं कि मुमकिन है हो मर जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर देख लेंगे 5, 6 और 7 लेन जो है ज़्यादा वर्स्ट है। यहाँ देख लीजिए कोई ड्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, 4 इंची ड्रेन है यहाँ पर, उसके बजाय सड़क यहाँ पर कोई आता है कहते हैं आप किस जगह पर रहते हो, आप ये इसके बगैर किस जगह ज़मीन नहीं मिली थी, आप यहाँ पर ये देखो हालत क्या है। हम खुद सफाई करते हैं लेकिन मैं म्यूनसिपलिटी वालों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको सिर्फ एक फ़ोन कर दो ना तो तब वो आते हैं लाते आते, लेकिन किस वक्त उनके पास रेडर नहीं होता है, नाली से निकाला मलबा निकालना नाली वो डालते हैं सड़क पर, ऑन स्पॉट उनके पास एट अ टाइम रेडर नहीं होता कुछ उठाने के लिए, डाल दिया 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए फिर नाली में जाता है ये, अब हो जाता है वो काम सारा, वो तो सारा ये हो जाता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है इतना ही, लेकिन हमें तो ग्रीवेंस अपनी जगह है ही। क्योंकि ये सड़क टेंडर हुई थी, ये टेंडर ये सड़क जो थी ना ये टेंडर हुई थी, टेंडर होके उसको कॉन्ट्रैक्ट को मिला और उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे पास तो उसकी कॉपी है। अब लगभग अक्टूबर में 3 साल होने जा रहे हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को, अगर हम पर्टिकुलर केबी नगर की बात करें कितने काम यहाँ पर हुए, अगर हम नए पोल्स को छोड़ दें उसके अलावा क्या कुछ हुआ है? लाइटें जो है हमारी लाइटें अभी ख़राब होती हैं, हम फोन करते हैं नो डाउट वो आते हैं, लेकिन जिस आते हैं हमने जी 4 लाइटें ठीक कर दें, 2 दिन हो गए बस, फिर लाइट फ्यूज हो जाती है, कभी अलार्म खराब होता है, कभी अच्छी नहीं है इनकी, नहीं क्वालिटी अच्छी हमें तो ये तो मुझे पता नहीं है। तो जब मतलब हमारी डिमांड ये है कि कम से कम अगर लाइट होगी तो जहाँ भी लैंप लगा है लगा दिया, गवर्नमेंट ने लगा दिया तो चलना भी चाहिए,
दोजी के बाद फिर खराब हो जाता है। अब ये मुझे कमजोरी आती है, ये रोज 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 फोन करना। वो कहते हैं आप हमें रोज तंग करते हैं, क्या करते हैं। मैं उनको बोलता कि मुझे फेस करना है, पब्लिक को फेस करना है, कम से कम इनको इनकी ग्रीवेंस मुझे सुननी है। आई एम सपोज टू हियर दैट, मुझे सुनना ही सुनना है। अब आपके पास आपको क्या क्या होता है ऐसे जी, लेकिन जी। ये तो हमारी प्रॉब्लम है, सड़क की है, नाली की है, बाकी लाइट की है। कह सकते हैं कि टेंडर होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, एक जून को एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया, सैंक्शन भी हो गई है। मतलब ये जो पुलिंदा आप देख रहे हैं भट्ट साहब के हाथों में, ये सारा मैक्सिमम इसी इलाके का ओवरऑल जो उन्होंने लेटर्स दे रखी हैं, जो इनको रिप्लाई आए हैं, ये वो फाइल है। आप सोच लीजिए इस पूरे इशू के कितने रिकॉर्ड इन्होंने रखे हैं, सेपरेट है, देख लीजिए आप, देख लीजिए अपनी अपनी फाइल है। कंसर्न जो है हमारा सड़क के बारे में है, नाली के बारे में या बिजली के बारे में है, ये तो सब अपनी अपनी फाइलें हमने रखी है। इसी वजह से मेंशन कर दिया, पानी की आता पानी चार चार दिन के बाद आता है, अगर आता है तो कम से कम आधा घंटा आता है पानी। अच्छा, प्रेशर कुछ भी वाल नहीं खोलते, उनके पास ये ग्रीवेंस है वाल पूरा नहीं खोलते हैं, जिसे भी पानी डाल दिया वाल आधा खोला, ना प्रेशर होता है ना कुछ होता है, पानी यहाँ हमें लो लेवल पर पानी आ जाएगा। बाकी अगर हम कम से कम 2 फुट के ऊपर 3 फुट के ऊपर भी बाल्टियाँ रखेंगे ना, उधर पानी नहीं चढ़ता है, इतना प्रेशर है, इतना लो प्रेशर होता है। मतलब है कि ये ओवरऑल प्रॉब्लम है यहाँ पर, ओवरऑल हमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। अब जिनका उम्मीद है कि जल्दी हो जाए, उम्मीद है, उम्मीद है, क्योंकि हमने तो अब काउंसलर साहब को या चेयर वो हैं इस वक्त मिनिस्टर में चेयरमैन साहब है कुलदीप सिंह, ठेकेदार को देकर अभी जब काम नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा है। ठेकेदार लगाया है, इसमें लिखा है इन्होंने फलाइन कॉन्ट्रैक्ट, आपकी ब्लैक टॉपिंग से पहले अगर ड्रेन चोरी हो जाती है वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमें आश्वासन दे दिया है कि मैं कर दूंगा, ड्रेन कर दूंगा पहले, तभी मैंने कह दिया फिर पहले सड़क खोदोगे, पहले ड्रेन बनाओगे, फिर सड़क खोदोगे, या तो पहले जो कुछ काम करना है फिर तो सिर्फ ब्लैक टॉपिंग करनी है। तो खड्डे बने हैं, ऐसे ही बने हैं, खड्डे बने हैं, तो सिक्योरिटी वाला मैं तो भी फ्रैंक आना, मैं पर्सनली सिक्योरिटी पर नहीं चढ़ता हूँ, मैं डरता हूँ स्लिप ना हो जाए, हाँ स्लिप ना हो जाए कहीं मुझे सड़क की। ये तो गली नंबर 7 है, गली नंबर 6 की भी बहुत बुरी हालत है, लेकिन आपको बताऊँ मैं बन तालाब वार्ड नंबर 63 के बी नगर का ये इलाका, और ख़ासतौर पर इस तरह के लोग जो अपने इशूज़ को लेकर चलते हैं, लोगों के इशूज़ को लेकर चलते हैं, जब इनको ही जवाब नहीं मिलता प्रॉपरली, और इन्हीं के घरों के बाहर जब काम नहीं होता, तो बाकी लोग जो कि जिन्होंने कहीं ना कहीं वोट दिया होता है या फिर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारे वार्ड में काम हो, वो बड़े ज़्यादा जो हैं वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि सेंक्शन हो रखी हैं, कब काम होगा ये पता नहीं है, लेकिन फिलहाल ये इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब काम होगा। वार्ड नंबर 63 को आज हमने कवर किया, बन तालाब का इलाका आता है, और उसके अलावा आगे का भी कुछ एरिया जो कि हाल ही में इस बार जुड़ा है कॉरपोरेशन के साथ, कुछ समस्याएं दिखी, काम भी हुआ है जो हमने देखा वहाँ पर, लेकिन क्या ओवरऑल सिचुएशन रही, लोगों की जो शिकायतें हैं या फिर उनकी जो ग्रीवेंसेज हैं वो हमने ले ली। अब हम काउंसलर साहब के पास आए हैं, कुलदीप सिंह चिप साहब हमारे साथ हैं, वार्ड 63 के काउंसलर हैं। चिप साहब, आपका जो एरिया है हमने वो देखा, बन तालाब का एरिया है और उसके आगे बहुत आगे तक का भी है, और कुछ रूरल एरिया भी जुड़ गया है इस बार। अगर हम ओवरऑल हम वार्ड की बात करें, कुछ जगहों पर अभी ब्लैक टॉपिंग का इशू बना हुआ है, सुनने में आया कि टेंडरिंग भी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी टेंडरिंग होने के बावजूद भी बीच में कुछ मंथ बीच में पड़ गए हैं, तो अभी और वक्त लगेगा या फिर अभी क्या उसका उसके सूरत हाल क्या है सर? नमस्कार जी। टेंडरिंग लगी हुई है, उसकी बेसिक क्या है कि बरसात के दिनों में इन्होंने ब्लैक टॉपिंग करना बंद कर दी होती है, 15 दिसंबर से खुलेगी ये, सितंबर से उसके बाद ब्लैक टॉपिंग होना शुरू कर होने जा रही है। तो ठेकेदार को अलॉटमेंट हुई है, तो 15 तारीख के बाद शुरू कर देंगे हम, जो जो जहाँ जहाँ ब्लैक टॉपिंग होनी है सारी करेंगे। दूसरा जो नया इलाका आपके साथ जुड़ा है, अगर आप ओवरऑल अपना एरिया देखें तो ये तो बहुत बड़ा एरिया हो गया है, तो आपके अकॉर्डिंग कितना उसमें आपने अभी तक काम किया है, और उसमें क्या कुछ अभी पेंडिंग है जो आपके भी लिस्ट में है कि जो करवाना भी जल्द ज़रूरी है बहुत ज़्यादा? बेसिक तो 2-3 हमारे पॉन्ड्स हैं, उनको हमने बनवा दिया है, बहुत बढ़िया बनाया है, उसके बाद ब्लैक टॉपिंग का काम ज़्यादा है, तो बरसात निकलती है तो ब्लैक टॉप में शुरू टेंडरिंग लगे हुए हैं, कुछ अलॉटमेंट हुई हैं, कुछ होने वाली हैं, तो काम तो होगा ही। तो बेसिक बाढ़ बहुत बड़ी है, कोई 20 किलोमीटर में हमारा बाढ़ फैला हुआ है, कोशिश करेंगे कि उसको अपने टर्न में पूरा करने की। तो सर आप कह रहे हैं 20 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो लगभग कितने सफाई कर्मी आपको मिले हुए हैं वार्ड के लिए? मेरे पास
45 है, 45 सफाई कर्मचारी है मेरे पास। गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑटोज कितने हैं? दो ऑटोज है। क्या दो ऑटो सफिशिएंट हैं जिस तरह आप 20 किलोमीटर का रेडियस बता रहे हैं? बेसिक अभी तो हमने और भी डिमांड की है कि हमें एक ऑटो और दिया जाए, तो रेवेन्यू के हिसाब से ऑटो मिलता है, अभी हमारा रेवेन्यू अच्छा आ रहा है तो कोशिश करेंगे एक ऑटो और ले लेने की। दूसरा सर, आपके वार्ड में बहुत सारी ड्रेन्स हैं जो पुराने वक्त की बनी हुई हैं, वो चौड़ी भी नहीं है, 4 इंच की है, ज़्यादा खुली नहीं है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारी अगर नालियाँ पहले बन जाएं फिर ब्लैक टॉपिंग का काम हो, तो नहीं तो दोबारा उनको उखाड़ना पड़ेगा, दोबारा टूटेंगी, फिर सड़कें बनने में वक्त लगता है, तो उसके लिए भी कोई प्रपोजल रखा गया? ड्रेन के लिए भी रखा हुआ हमने, जैसे जैसे फंड्स मिलते जाएंगे, ड्रेन्स के अलग फंड्स आते हैं, ब्लॉक टॉपिंग लग आते हैं, जैसे जैसे फंड्स मिलेंगे वैसे वैसे काम करते जाएंगे हम। सर, बनसलाब से बरनाई वाली जो मेन सड़क है वो भी कई जगह से अभी ख़राब हो रखी है, क्योंकि आगे दूसरा वार्ड भी शुरू हो जाता है, कुछ सड़क आपके वार्ड में भी आती है। ये रोड हमने पीछे अभी 6 महीने पहले ही उसमें ब्लैक टॉपिंग करवाई है, बेसिक ये PHE वाले डिपार्टमेंट हैं जो जहाँ इनकी लीकेज होती है उसको उखाड़ देते हैं और दोबारा उसको रिपेयर नहीं करते हैं। हम उनको भी कहते हैं कि जो उखाड़ते हैं उसको रिपेयर करो, बरसात को उसको जो पैच वर्क डला देंगे उसको भी। तो आपके अकॉर्डिंग अभी 3 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, उसके साथ 2 साल का वक्त बचा हुआ है, जो कुछ आपने सोचा हुआ है क्या अपने टाइम पीरियड में आप वो अचीव कर पाएंगे जो खासतौर पर आपके एरिया में बड़ी समस्या है? वो बिल्कुल जरूर कर पाएंगे, हमने उसका विजन रखा हुआ है, प्लानिंग की हुई है और काम हमारे चल रहे हैं, कुछ और चल लगने वाले हैं, जिसने हमारे काम है, हमारी कोशिश है कि अपनी बाढ़ साफ सुथरी अपने टर्न में करके जाए। तो ये जो समस्याएं वार्ड 63 की थी वो हमने काउंसलर साहब से शेयर की, और जहां पर अभी समस्याएं बनी हुई हैं खासतौर पे KB नगर हो और कुछ और इलाके हैं जहां पर अभी ब्लैक टॉपिंग होना बाकी है, और सितंबर के 15 के बाद वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग होना शुरू होगी, लेकिन क्योंकि रूरल एरिया बहुत बड़ा है इस वार्ड में जो इस बार जुड़ा है, और नया इलाका नई कॉलोनियाँ वहाँ पे बहुत बन रही हैं, तो अभी वहाँ पर काम होना बाकी है। अब यह है कि 2 साल आने वाले जो वक्त बचा है वहाँ पर इनके वार्ड में बहुत बड़ा काम अभी होना बाकी है, अगर हो जाएगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, स्टेट टाइम्स जम्मू।